और पेशी के बाद जो रेलवे स्टेशन का कैंपस के अंदर ही उसमें जो 7 लोगों से 3 लोग अभी फरार हैं। झांसी रेलवे न्यायालय में पेश होवे आए 7 कैदियों में से 3 कैदी फरार हो गए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से झांसी लाए गए थे जे कैदी और जे हो गए हैं फरार। पुलिस सुरक्षा को चकमा दे के झांसी से सटे मध्य प्रदेश के बॉर्डर को सील करे गए है। जगह जगह पुलिस की चेकिंग करी जा रही है। 7 कैदियों को पेश करके जिलाने 4 सब इंस्पेक्टर, 6 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल ड्यूटी में थे, लेकिन इनको चकमा दे के फरार हो गए हैं 3 कैदी। झांसी जनपद में जो रेलवे कोर्ट है जहाँ पे ACJM मजिस्ट्रेट बैठते हैं यहाँ पे रेलवे कोर्ट में, उनको समक्ष 7 लोगों को पेश करने के लिए झांसी जनपद का 12 लोगों का ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें 4 सब इंस्पेक्टर, 6 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे आए हुए थे। और पेशी के बाद जो रेलवे स्टेशन का कैंपस के अंदर ही उसमें जो 7 लोगों से 3 लोग अभी फरार हुए हैं। अभी आसपास का CCTV फुटेज पूरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा GRP के अंदर आ रहा है, तो अभी GRP का फोर्स भी पूरा अभी ढूंढ रहे हैं, पूरा CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। और क्योंकि इसमें हमारा जनपद का पुलिस फोर्स का ड्यूटी लग गई थी, तो उन लोगों के खिलाफ अभी शाम तक हम लोग जो डिपार्टमेंट इलेक्शन हो तो करेंगे, बट अभी सभी पुलिस स्टेशन और आसपास का एरिया को पूरा सील करते हुए इन सबको फोटो हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है। ये 3 मुलजिम मध्य प्रदेश का है, GRP थाना का मुलजिम लोग थे, जो चोरी का संबंध में ये लोग जेल में निरुद्ध थे और पेशी के दौरान इन लोग अभी फरार हुए हैं। अभी पूरा डिटेल्स अभी निकाला जा रहा है, अभी फिलहाल पुलिस फोर्स पूरा इन लोगों को ढूंढने में अभी काम कर रही है। सर कितनी टीमें लगाई हैं इसके लिए? अभी हर थाना को निर्देशित किया गया है, पूरा बॉर्डर हर जगह चेकिंग भी कर रहे हैं हम लोग, और GRP पुलिस को भी और RPF को भी बताया गया, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से फरार हुए हैं, तो हम लोग उन लोगों से भी सहयोग ले रहे हैं ताकि ये रेलवे स्टेशन से आसपास ट्रेन से भी ये लोग कहीं फरार हुए नहीं हुए उसको चेक कर रहे हैं। सर जो बदमाश थे कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे मैंने पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश का लोग थे, 3 अलग अलग जनपद के, चोरी का GRP थाने का चोरी का अपराध में ये जेल में बंद थे। फिलहाल ड्यूटी पे लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात करी जा रही है। जो पूरा मामला झांसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे न्यायालय कैंपस को है। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बौछार किला में। एकलव्य यूनिवर्सिटी द मूव विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।